गुड इवनिंग बच्चों, आज की अपनी लाइव क्लास जो है वो किसी कारण से नहीं हो पाई, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास जो प्रीमियर क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी अपने एक सेंसरी ऑर्गन में ऑर्गन दिया हुआ है ह्यूमन ईयर, तो उस ईयर की बात करें, जो कान है उसकी बात करें, तो उस ईयर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस टाइप से ये फंक्शन करता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, इनका डिस्कशन आज की वीडियो में अपने करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि ह्यूमन ईयर जो है इसी को आप दूसरा नेम देते हैं स्टेटो ऑप्टिक ऑर्गन। सेकंड नेम क्या है बेटा? स्टेटो ऑप्टिक ऑर्गन, यानी एक्चुअल में ये हीरिंग से रिलेटेड काम करने वाला है और दूसरा काम इसका जो रहेगा वो आपका रहेगा बॉडी बैलेंसिंग का। ईयर जो है वो ह्यूमन में प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बैक साइड ऑफ आई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक साइड ऑफ आईज प्रेजेंट कितने होते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सर ह्यूमन के अंदर वन पेयर ईयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा इसका अपने ये फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ह्यूमन ईयर का प्राइमरी फंक्शन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्राइमरी फंक्शन मैं इधर लिख देता हूं, प्राइमरी फंक्शन ये तो है बेटा बॉडी बैलेंसिंग, और सेकेंडरी फंक्शन जो है बेटा वो है हीरिंग का। तो कुल मिलाकर बात करें ह्यूमन ईयर की, वन पेयर प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ आईज प्रेजेंट है, स्टेटोस्टिक ऑर्गन है और बॉडी बैलेंसिंग इसका प्राइमरी फंक्शन है, और सेकेंडरी फंक्शन है बेटा हियरिंग का, या फिर यूँ बोले कि जो साउंड वेव्स आते हैं उन साउंड वेव्स को आपके ब्रेन तक सेंड करना, और उन्हीं ब्रेन तक जो साउंड वेव जाएगी उनके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस जो साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। बेटा स्ट्रक्चरली बात करें आप ह्यूमन ईयर की, तो ह्यूमन ईयर को आप बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो आउटसाइड का पोर्शन है बेटा इसको आप बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। ये मिडल वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला सिर्फ इस लाइन तक का ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा मिडल ईयर। और लास्ट एंड फाइनल ये जो पार्ट है इसको आप बोलते हैं बेटा इंटरनल ईयर। तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ईयर जो है उसको आप स्ट्रक्चरली एक्सटर्नली आप लोग उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। बेटा सबसे पहले बात करते हैं आप लोग इस एक्सटर्नल ईयर की। इस एक्सटर्नल ईयर में बात करें तो आप लोगों को 2 पार्ट इसके दिख रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सेकंड पोर्शन नेम दे सकते हैं, और इसके आगे वाला ये हिस्सा जो है बेटा पूरा का पूरा ये इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसको जनरली आप लोग नेम देते हैं पिन्ना या ईयर पिन्ना। ये फर्स्ट पार्ट है ईयर का, ईयर पिन्ना, और ईयर में भी पर्टिकुलर मैं बात करूं एक्सटर्नल ईयर का फर्स्ट पार्ट है ईयर पिन्ना। इस ईयर पिन्ना में बेटा ये आउटर पार्ट जो अपर पार्ट जो है इसको आप बोलते हैं हार्ड हेलिक्स। अपर पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है बेटा ये होता है सॉफ्ट, और इस सॉफ्ट पार्ट को आप बोलते हैं सॉफ्ट लोब्यूल। इस सॉफ्ट लोब्यूल के अलावा आप लोगों को इस पिन्ना पोर्शन के अंदर बेटा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रही होगी, छोटा सा कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इस स्ट्रक्चर को आप लोग नेम देते हैं कोंका। इसका नेम है कोंका। इस कोंका वाले पोर्शन पे भी पार्शियल हेयर्स अपने को मिलते हैं, ये है बेटा इसके हेयर, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पोर्शन की बात करें, इस सेकंड पोर्शन को बेटा नेम देते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, या इसी को बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।
कुछ भी आप नेम दें, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। बेटा इस केनाल और ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भी आप लोगों को सेम टू सेम स्ट्रक्चर दिख रही होगी, जिनको आप लोग नेम दे सकते हैं कि सर इसमें भी हेयर्स प्रेजेंट है और इन्हीं हेयर्स के बीच बीच में आप लोगों को ये कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रही होगी। बेटा इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को आप लोग बोल सकते हैं कि ये होती है इसमें सीरुमिनस ग्लैंड, सीरुमिनस ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर यदि बात कर रहे हैं आप लोग एक्सटर्नल ईयर की, तो एक्सटर्नल ईयर के दो हिस्से हुए, फर्स्ट ईयर हिस्सा जो है वो ईयर पिना और सेकंड हिस्सा जो है वो बेटा आप लोगों का एक्सटर्नल ईयर मीटस और कैनाल हुई। जनरली क्या होता है कि साउंड वेव को रिसीव करने का काम जो है वो आपका कौन करता है, ईयर पिना करता है, और रिसीव करके ये किसको फॉरवर्ड करता है, एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या करती है, इस साउंड वेव को इस मिडल ईयर तक भेजने का काम कर रही है। तो एक बार आप लोग इसके नेम से रिलेटेड कुछ बातें जो है इनको ध्यान से देखें। बेटा इसको आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो पिन्ना वाला पोर्शन है, ये पिन्ना पोर्शन सम ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, मूवेबल स्ट्रक्चर्स होती है, जबकि ह्यूमन बींग जो है अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग और वीकेंसी की अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग या अपनी पावर के अकॉर्डिंग इसको हिला नहीं सकता। इसको जब हिला नहीं सकते तो आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग के अंदर ईयर पिन्ना वाली मसल्स जो होती है वो कैसी होती है बेटा, वेस्टिजियल होती है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि सर डॉग है या फिर कैट है, काओ है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, जो मसल्स होती है वो फंक्शन होती है, और फंक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये अपने ईयर पिन्ना को क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विल पावर मूवमेंट भी करवा सकते हैं। जनरली ये क्या करता है, ये साउंड वेव को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास सेंड करने का काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट, यदि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की बात करें तो कई बार वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्स 24 mm के अप्रोक्स होती है, और ये जो ईयर पिना है सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेस डेवलप होती है और कुछ के अंदर मोर डेवलप होती है। फिर ईयर पिना भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रजेंट हो और कुछ में नहीं प्रजेंट हो, तो अलग अलग वेराइटी है। बट ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर के अंदर ये स्ट्रक्चरली अपने को सारा पॉइंट मिल रहा है। फिर इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को इस मिडल ईयर से सेपरेट करने का काम जो है बेटा वो करती है आप लोगों को, ये जो रेड कलर की लाइनिंग आप लोगों को दिख रही है, इसी लाइनिंग को आप लोग बोल रहे हैं, रेड कलर वाली लाइनिंग को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं आप लोग ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, या फिर इसी ईयर ड्रम को आप लोग बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसका नेम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम जो है वैसे तो पार्ट है बेटा मिडल ईयर का, बट ये आपके इस एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने का काम जो है वो कौन कर रही है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो कर रही है। उसके बाद इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आउटसाइड में आप लोग देखें, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आउटसाइड भी ये कवर्ड है, ये ब्लैक लाइन की लाइनिंग, ब्लैक कलर से लाइनिंग मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। ये बेटा एक टाइप से कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, और इस ईयर ड्रम के जस्ट इनर साइड की बात करें आप लोग तो इसके इनर साइड में ये होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पार्ट है बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन। इस एरिया में आप लोगों को थ्री लाइनिंग जो है वो जनरली दिख रही होगी, जिसमें फिर मिडल लाइनिंग जो है जिसको आप बोलते हैं ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नेम दे रहे हैं, और इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की सेफ्टी जो है वो आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन और इनर साइड जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, COUS, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। उसके अलावा ये जो मिडल ईयर वाला पोर्शन है बेटा, ये मिडल ईयर वाला पोर्शन जनरली आप लोगों को टिम्पेनिक बुला जो होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसकी कैविटी है जिसको बोलते हैं टिम्पेनिक, टिम्पेनिक कैविटी, ये मिडल ईयर की कैविटी है, और ये टिम्पेनिक कैविटी जो है बेटा
जनरली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या यू बोल लें कि टेम्पोरल बोन जो होती है उसी की कैविटी है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में या इस मिडल ईयर के अंदर बेटा आप लोगों को थ्री बोन्स मिल रही होगी, जिसमें से फर्स्ट बोन जो है इसका मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, यही इसके अंदर ही लिख रहा हूँ मैं नेम इसका, इसका नेम है मेलियस, मेलियस बोन है। और मेलियस बोन जो है बेटा ये हैमर हेडेड शेप होती है या हैमर हेडेड शेप्ड होती है, ये हैमर शेप्ड, हैमर शेप्ड है यानी हथौड़े के जैसी ये बोन होती है। इन थ्री बोन्स में इस मेलियस सेकंड वाली इंकस थर्ड वाली स्टेपीज है, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है बेटा, मेलियस बोन जो है वो ओवरऑल लार्जेस्ट बोन है विद इन दीज थ्री ईयर ऑसिकल्स और ईयर बोन्स जो है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, मेलियस। आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम स्टडी किया था कि ह्यूमन ईयर में थ्री बोन्स जो है वो मिडल ईयर में मिल रही है। बेटा ये जो फर्स्ट बोन है मेलियस बोन जो है, ये मेलियस बोन इस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट शो कर रही है, और ये जो अटैचमेंट शो कर रही है इस एरिया में आप लोगों को कुछ स्पेसिफाइड मसल्स मिलती है जिनको बोलते हैं टेंसर टिम्पेनी, टिम्पेनी मसल्स। इस एरिया में क्या होती है बेटा, टेंसर टिम्पेनी मसल्स, मैं इनका नेम यहां लिख रहा हूं, टेंसर टिम्पेनी मसल्स। टेंसर टिम्पेनी मसल्स क्या कर रही है, मेलियस बोन को म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे अटैच करवाने का काम कर रही है। सेकंड जो बोन है आपके इस ईयर ओसिकल में आती है उसका नेम है बेटा इंकस, ये बोन कौन सी है, इंकस। और इस इंकस की शेप पूछ लेता है तो बेटा ये होती है एनविल शेप, एनविल शेप छेनी के जैसी होती है। दूसरा ये एनविल शेप जो बोन है ये जनरली इस मेलियस के साथ में अटैचमेंट शो कर रही है, और इनके अटैचमेंट वाले पार्ट पे इस एरिया में जॉइंट जो होता है बेटा, इस जॉइंट को आप बोलते हैं हिंज जॉइंट, कौन सा जॉइंट है ये, हिंज जॉइंट। कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक, हिंज जॉइंट है मेलियस एंड इंकस के बीच का। और लास्ट बोन जो आती है बेटा वो आती है इसकी स्टेपीज बोन मिडल ईयर की, इसका नेम है स्टेपीज बोन, स्टेपीज बोन का पूछ लेता है तो बेटा ये स्ट्राइप अप शेप होती है, घोड़े की रकाब बोलते हैं बेटा इसको, स्ट्राइअप को, उसके जैसी होती है। और ये जो स्ट्राइअप बोन जो है मींस इंकस और स्टेपीज आपस में अटैच हो रही है, इस एरिया में जो जॉइंट होता है इस जॉइंट को जनरली आप लोग नेम दे रहे हैं बाल सॉकेट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट्स वाले पॉइंट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉल सॉकेट जॉइंट कहाँ मिल रहा है, हिंज जॉइंट कहाँ मिल रहा है, किन किन के बीच में मिल रहा है, ये बातें अपने डिस्कशन हुई थी। फिर ये कह रहा है ये जो मिडल ईयर है इस मिडल ईयर का कनेक्शन जो है बेटा एक ट्यूबुलर ट्यूब से होता है, जिस ट्यूब का नेम है यूस्टिकियन ट्यूब, और ये जो ट्यूब है ये इस मिडल ईयर को आपके नेजोफेरिंग से अटैच करती है। ये किससे अटैच करती है, नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स से अटैच करने का मतलब है कि जो नोज वाले एरिया के आगे वाली जो फेरिंग्स थी उसको नेजो फेरिंग्स बोल रहे थे। और ये जनरली क्या करती है, इसके थ्रू जो एयर आती है वो इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और वी कैन से ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। और जब ये प्रेशर मेंटेन करती है मींस ईयर ड्रम जो है वो खींच के रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहेगा उतनी ही ज़्यादा साउंड वेव जो है वो आगे पास आउट होगी। तो इस ईयर ड्रम की स्ट्रेचिंग को कंट्रोल करने का काम जो है वो ईस्ट्रिकियन ट्यूब के थ्रू जो नेजोफेरिंग्स वाले एरिया से एयर आएगी वो एयर इसको क्या करेगी, कंट्रोल करने का काम कर रही है। बेटा ये स्टेपीज बोन जो है ये लास्ट एंड फाइनल एक विंडो से अटैच होती है, मींस इंटरनल ईयर से अटैच होती है, और इस इंटरनल ईयर वाले एरिया पे जो कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा
ओवेलिस। और ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो कैविटी है ये क्या करती है, स्टेपीज बोन को मिडिल सॉरी इंटरनल ईयर के साथ अटैचमेंट शो करने वाली है, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये आपके एक बार मिडिल ईयर को भी दोबारा से देखें कि मिडिल ईयर में जनरली अपने को कैविटी जो मिल रही है जिसको टिम्पेनिक कैविटी बोल रहे हैं, और इसके अलावा इसमें थ्री आपको बोन्स मिलती है जिसमें से फर्स्ट है मेलियस जो हैमर हेडेड शेप है। ये मेलियस बोन जो है वो आपके इंकस बोन सेकंड वाली से जो एनुअल शेप है उसके साथ अटैच होती है बाई हिंज जॉइंट, और इंकस जो है वो स्टेपीज बोन जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर ईयर और वी कैन से ऑफ आवर बॉडी जो है स्टेपीज बोन जिस स्ट्राइएप शेप होती है इसके साथ अटैचमेंट शो करती है बाई बॉल सॉकेट जॉइंट। तो इन थ्री में से यदि लार्जेस्ट पूछा जाए तो कौन सी है, मेलियस और स्मॉलेस्ट, तो अपने आप ही कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज बोन हो जाएगी। तो जनरली इस मिडिल ईयर में थ्री ईयर ओसिकल्स मिलती है, और आपको पता है कि इन ईयर ओसिकल क्योंकि ओसिकल है बोन से है तो सॉलिड है, और साउंड वेव जो है साउंड वेव बढ़ती है कि इसमें सॉलिड के अंदर जो साउंड वेव है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो जनरली यहाँ से जो साउंड वेव्स आएगी उनको मैक्सिमम टाइम्स बढ़ाने का काम कौन करेगी, आपके ईयर ओसिकल्स करेगी जो आपके मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट है। बेटा इन सब की शेप आप लोगों से आराम से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ये किस शेप की होती है। हालांकि यदि बात करते हैं आप लोग इन ईयर ओसिकल्स की तो इनका मॉडिफिकेशन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। जनरली ये जो आपके मेलियस बोन है ये आर्टिकुलेट बोन होती है, आर्टिकुलर बोन होती है आपके जा के अंदर, उसका मॉडिफिकेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेलियस जो है ये आपके जा के अंदर बोन है जिसका नेम है आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बोन उस आर्टिकुलर बोन का मॉडिफिकेशन है। इसी टाइप से यदि आपसे इंकस का पूछ ले कि इंकस जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन होती है। इंकस किसका मॉडिफिकेशन है, क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है, क्वाड्रेट बोन ऑफ जा का मॉडिफिकेशन है। और लास्ट एंड फाइनल आपसे पूछ ले कि स्टेपीज बोन किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये हायो मैंडिबुलर बोन है, स्टेपीज जो है वो हायो मैंडिबुलर बोन ऑफ है, हायो मैंडिबुलर बोन ऑफ जा जो है उसका मॉडिफिकेशन है बेटा। तो एक बार इस मिडिल ईयर तक की स्ट्रक्चर का आप लोग स्क्रीनशॉट लें ताकि मेरे को यदि कोई एक वन और टू नेम इरेज करने पड़े तो इजीली उसको इरेज किया जा सके। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल ईयर की, और इंटरनल ईयर में पर्टिकुलर जो हियरिंग से रिलेटेड काम करने वाली स्ट्रक्चर है जिसको आप जनरली बोलते हैं कोक्लिया पार्ट, उस कोक्लियर पार्ट का ही डिस्कशन अपने इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा। बेटा इस कोक्लियर पार्ट में आपने कहा कि फेनेस्ट्रा ओवेलिस जिसे स्टेपीज बोन जो अटैचमेंट शो कर रही है, ये अपर जो डोर्सल साइड की जो ट्यूब है जिसको नेम देते हैं स्केला वेस्टिब्यूल, और इस स्केला वेस्टिब्यूल के अंदर बेटा क्या फिलअप रहता है, इसके अंदर आपका पेरी लिम्फ जो है वो फिलअप रहता है। इसी टाइप से वेंट्रल साइड की जो ट्यूबुल है बेटा इसका नेम है आपके स्केला टिम्पेनी, और इस स्केला टिम्पेनी में भी बेटा अपने को क्या फिलअप मिलता है, पेरी लिम्फ इसमें भी प्रेजेंट होता है। यानी स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला जो टिम्पेनी है दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, पेरी लिम्फ लिक्विड मिलेगा। और इसके अलावा बात करें कि इन दोनों स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी को अटैचमेंट अटैच करने वाली स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं हेलिकोट्रेमा, दोनों को अटैच कर रही है स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी को। इसके अलावा यदि बात करें बेटा ये जो बीच का है यानी स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी के बीच का जो टोटल पोर्शन है, इस टोटल पोर्शन को आप लोग बोलते हैं स्केला मीडिया, और इस स्केला मीडिया में आप लोगों को क्या मिलता है बेटा, एंडोलिम्फ मिलता है, क्या मिलेगा, एंडोलिम्फ फिलअप मिलेगा। इसी स्केला मीडिया जो पार्ट है इसी स्केला मीडिया में आप लोगों को बेटा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मिलते हैं, और उन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में कौन सी स्ट्रक्चर होगी, कैसी स्ट्रक्चर होगी उनका डिस्कशन कर लेते हैं।
ये कह रहा है कि इनकी वेंट्रल सरफेस पे जो स्केला टिम्पेनी है इसके अपर साइड में आप लोगों को एक मेम्ब्रेन मिलती है, उस मेम्ब्रेन को नेम देते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या नेम दे रहे हैं बेटा इसको आप लोग नेम दे रहे हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम से, देखें थोड़ा सा, ये है बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन ब्लू कलर वाले। बेसिलर मेम्ब्रेन और बेटा इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच बीच में आप लोगों को स्टेटोस्टिक सेल्स जो है वो अपने को जनरली मिल रही है। ये जो सेल है इनको आप बोल रहे हैं स्टेटोस्टिक सेल, और इन्हीं सेल्स के ऊपर आप लोगों को बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, इसी वजह से इनको बोलते हैं आप लोग हेयर सेल। बेटा इन्हीं स्टेटोस्टिक सेल जो है उन स्टेटोस्टिक सेल्स हेयर सेल्स के ऊपर आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मिल रही है हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है उनको आप बोलते हैं स्टेटोस्टिक सेल्स के हेयर जो है उन्हीं का नेम है आप लोगों की। बेटा इन्हीं स्टेटोस्टिक सेल्स के ऊपर आप लोगों को हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है और इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम देते हैं स्टीरियोसीलिया या काइनोसीलिया। ये है स्टीरियोसीलिया, इन स्टीरियोसीलिया के जस्ट अपर साइड में एक मेम्ब्रेन होती है बेटा और वो मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस टाइप से कौन सी मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इन सब को मींस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, स्टीरियोसीलिया, स्टिक सेल्स या हेयर सेल्स और ये जो स्ट्रक्चर है इनको आप बोलते हैं ऑर्गन ऑफ, ऑर्गन्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है बेटा, तो इन ऑर्गन्स ऑफ क्वालिटी या यू मान लें कि ये जो आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये मिडल ईयर तो ये है, इस स्केला मीडिया और इस बेसिलर पार्ट यानी स्केला टिम्पेनी को लोअर साइड से सेपरेट करने का काम तो कर रही है बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्टेटोस्टिक सेल्स मिल रही है और साथ में इन्हीं सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया मिल रहे हैं और इनके ऊपर आपको मिल रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और इनको सेपरेट करने का काम जो कर रही है यानी स्केला मीडिया को और इस ऑर्गन ऑफ क्वालिटी को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को बेटा आप बोलते हैं रेजिनर्स मेम्ब्रेन। इनको क्या नेम दे रहे हैं आप लोग रेजिनर्स मेम्ब्रेन इसको नेम दे रहे हैं, इनको सेपरेट करने का काम रेजिनर्स मेम्ब्रेन कर रही है बेटा। और इसी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यानी स्टीरियोसीलिया के कॉन्टैक्ट में जो स्ट्रक्चर है बेटा वो आप लोगों की है ऑडिटरी क्रेनियल नर्व। ये कौन सी है बेटा, ये है ऑडिटरी क्रेनियल नर्व, और ये आप लोग बताएं कि कौन से नंबर की होती है, तो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व जो है वो ऑडिटरी क्रेनियल नर्व है बेटा। इसी ऑडिटरी क्रेनियल नर्व को आप लोगों ने कहा था कि ये सेंसरी होती है, आप लोगों ने कुछ के नेम दिए थे कि ये सेंसरी होती है, बाकी कैसी होती है बेटा मोटर टाइप की और मिक्स टाइप की न्यूरॉन्स होती है। ये जो स्केला टिम्पेनी वाला पोर्शन है ये आपका मिडल ईयर से कनेक्टेड जो कनेक्शन शो कर रहा है उस कनेक्शन वाले एरिया का नेम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसका नेम है फेनेस्ट्रा रोटेंडस। क्या नेम है बेटा, फेनेस्ट्रा रोटेंडस, राउंड विंडो बोलते हैं बेटा, और ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस है इसको ओवल विंडो भी आप लोग नेम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप लोग बात करें कि जो इंटरनल ईयर है इंटरनल ईयर में भी पर्टिकुलर कोक्लियर रीजन जो हीरिंग से रिलेटेड काम कर रहा है उसकी बात करें तो कोक्लियर रीजन में आप लोगों को स्केला वेस्टिब्यूल डोर्सल सरफेस पे, स्केला टिम्पेनी वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा, स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी बोथ आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ व्हाइल द स्केला मीडिया विच इज सराउंडेड बाई
स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी इज फिल्ड विद एंडोलिम्ब। स्केला मीडिया में आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा, एंडोलिम्ब फिल मिलेगा। आपने कहा कि सर इस स्केला मीडिया के अंदर ही आप लोगों को ऑर्गन ऑफ पॉटी मिलने वाले हैं, बट ये ऑर्गन ऑफ पॉटी बॉटम साइड से स्केला टिम्पेनी के ऊपर बेसिलर मेम्ब्रेन के जस्ट अबाउ साइड में प्रेजेंट होंगे। और इन ऑर्गन ऑफ पॉटी में जो सेल्स होती है जिनको बोलते हैं स्ट्रोस्टिक सेल्स या हेयर सेल्स, इनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, स्टेटोऑस्टिक भी बोल सकते हैं बेटा इसको, स्टेटोऑस्टिक ऑस्टिक सेल्स, और इनके ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं जो वाइब्रेशन आएगा उसको रिसीव करके इस स्केला टिम्पेनी वाले रीजन से बेसिलर मेम्ब्रेन से सेल्स, और सेल्स में वाइब्रेशन होगा वो स्टीरियोसीलिया में। स्टीरियोसीलिया के जस्ट अपर साइड में आपको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है मिलती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, स्टीरियोसीलिया और स्टेटोस्टिक सेल्स जो है इनको हेयर सेल्स बोल सकते हैं, इनको ओवरऑल मिलाकर आप बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पॉटी। और ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और मिलती है बेटा जिसका नेम है रेजिनस मेम्ब्रेन। ये रेजिनस मेम्ब्रेन क्या करती है, इस ऑर्गन ऑफ पॉटी को इस स्केला मीडिया से अलग करने का काम करती है, क्योंकि स्केला मीडिया के अंदर आप लोगों को एंड अप लिम्फ फिलअप रहता है उसे सेपरेट करने का काम करती है। और इसी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में 8th नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व जिसको आप लोग नेम देते हैं ऑडिटरी क्रेनियल नर्व वो अटैच होती है। तो ये आपकी कुछ इंटरनल ईयर का कुछ पोर्शन हुआ। इसके अलावा इंटरनल ईयर जो बॉडी बैलेंसिंग से रिलेटेड काम कर रहा है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, या जिसके अंदर आप लोग भी बोल सकते हैं कि सर ये जो आपका इंटरनल ईयर है उसमें बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। बोनी लेबिरिंथ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये इंटरनल ईयर आप लोगों के जो टेम्पोरल बोन है अपने टेम्पोरल बोन ऑफ क्रेनियम उस टेम्पोरल बोन की टेम्पोरल केविटी में प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसको बोनी लेबिरिंथ बोलते हैं, जिसमें बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसमें पेरिलिम मिलेगा इसके आउटसाइड में और इस केविटी के अंदर साइड में जो स्केला मीडिया है उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा, एंडोलिम मिलेगा। तो आज के लिए इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अपने जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें डिस्कशन करेंगे इंटरनल ईयर में जो आप लोगों को बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ मिलता है वो किस टाइप से मिलता है, उसका डिस्कशन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।